छात्रा का किया रेप और उसके बाद उसकी मांग में भरा जबरन सिंदूर। नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इंदौर से एक युवक का अपनी ही बहन की सहेली के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। उस व्यक्ति ने पहले लड़की का रेप किया और उसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। उसने फिर लड़की की कुछ तस्वीरें ली और उन तस्वीरों के आधार पर लड़की को 2 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। उसने लड़की से कहा कि वह लड़की की तस्वीरें वायरल कर देगा और इसी के चलते निरंतर 2 साल तक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल लड़की 2 साल पहले जब 11वीं कक्षा में थी अपनी सहेली के साथ उसके घर गई, जहाँ उसकी पहचान आरोपी कुणाल से पहली बार हुई। इसके बाद 21 दिसंबर 2020 को कुणाल जबरन लड़की के घर में घुस गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। फिर उसने लड़की की मांग में सिंदूर भरा और उसकी कुछ तस्वीरें खींच ली। इन तस्वीरों के आधार पर उसने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लड़की 2 साल तक यह सब सहती रही और इसके बाद जब वह परेशान हो गई, उसने अपने परिजनों को सारी बात बताई। परिजन पहले तो हक्के बक्के रह गए, फिर उन्होंने कुणाल को घर पर बुलाया। उन्होंने कुणाल को समझाने के कई प्रयत्न किए, परंतु वह नहीं माना। उसने लड़की के भाई को जान से मारने की धमकी भी दे दी। इसके बाद परिजनों ने लड़की का रिश्ता कहीं और करा दिया। जैसे ही कुणाल को यह बात पता चली, उसने लड़की की तस्वीरें उसके मंगेतर को भेज दी। इसके बाद परिजनों को उसके मंगेतर के परिजनों का फोन आया और उन्होंने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। परिजन जब बुरी तरीके से परेशान हो गए तो उन्हें आखिरकार पुलिस के पास जाना ही पड़ा। पुलिस को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने कुणाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कुणाल ने यह सब कबूला और उसने यह भी बताया कि उसने लड़की की तस्वीरें अपने कुछ दोस्तों को भी भेजी थी। भारत जैसा देश चाहे आधुनिक स्तर पर कितना भी विकास कर ले, परंतु अगर लोगों की सोच कुणाल जैसी रही तो देश हमेशा पीछे ही रह जाएगा। 10 में से 6 लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता कुणाल जैसी होती है और ऐसी मानसिकता में कहीं ना कहीं बचपन से दी गई परवरिश और शिक्षा कुछ ना कुछ प्रभाव डालती ही हैं। इसलिए परिजनों को बचपन से ही लड़के एवं लड़कियों के सामने स्पष्ट तरीके से बातें समझानी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें समझने का भी प्रयत्न करना चाहिए। सरकार को भी ऐसे मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए, साथ ही साथ सख्त सजाएं रखनी चाहिए, जिससे कि अपराधी ऐसे अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें।